नहीं, अभी मुंह नहीं खोला कि बच्चे ने पहले ही पिकअप कर ली वो बात, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ऐसा बहुत कम केसेस हैं, और वो माता पिता जो हैं वो सौभाग्यशाली माता पिताओं में भी 1-2% होता है, उन्हें अपने पूर्व जन्म के अच्छे फल प्राप्त होते हैं, अच्छे कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अगर अच्छी संतान प्राप्त होती है। ओबिडेंट भी है, सिंसियर है, और पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऐसा सौभाग्य देखने में आता है कब पेरेंट्स को प्राप्त होता है। और टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि उन्हें ऐसा स्टूडेंट मिल जाए, क्योंकि जब भी स्टूडेंट ऊपर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है उसके साथ उसका गुरु का नाम भी जुड़ जाता है। अब अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो साथ में गुरु का नाम भी उतना ही ऊपर चला गया। सचिन तेंदुलकर जो है अगर इतने ग्रेट बैट्समैन बने तो उनके गुरु को भी उतना ही याद किया जाता है कि जिसकी गाइडेंस से। अगर महेंद्र सिंह धोनी को उनका कोच जो है उन्हें मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि वो फुटबॉल के प्लेयर थे और वो फुटबॉल के गोलकीपर थे, उन्हें जो है वो पसंद थी, परंतु उनके कोच ने उनके अंदर कुछ ऐसी बात देखी कि नहीं तो फुटबॉल के लिए नहीं बना है, तो क्रिकेट के लिए बना है, तो ये उस कोच के गाइडेंस थी कि उन्होंने भी उसका कहना माना, प्रैक्टिस की, हार्डवर्क किया, और आप देखिए कि वहां पर उसने नाम कमाया। तो ये शिष्य के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उसको अगर ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उसको अगर वो जागृत करता है, तो ये उस शिष्य के लिए भी बहुत सौभाग्य का दिन होता है, उसका जीवन जो है सफल बन जाता है। हर शिष्य के पीछे जो है एक अच्छे शिक्षक का हाथ होता है। तो आज जो विभाग बार बार शिक्षा संवाद की बात करता है इसलिए करता है कि हम तो बच्चों से रोज ही रूबरू होते हैं, शिक्षक शिष्यों के साथ जो इंटरेक्शन करता है, कई समस्याएं भी आती हैं, हम रोज आप लोगों को नहीं बुला सकते और ना ही टेलीफोन के ऊपर इतनी लंबी बात हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि अभिभावक हमारे संपर्क में रहे, शिक्षकों के संपर्क में रहे, सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में रहे। आप जानिए कि मेरा बच्चा जो है वो इस विषय के अंदर कमजोर चल रहा है, शिक्षक से राय मांगे कि मैं क्या करूं इसको आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि टीचर क्योंकि उस 35 मिनट में बच्चे के ऊपर पूरा टाइम नहीं दे पाता, और यहाँ की जो दुर्गम परिस्थितियां हैं वो 3 बजे के बाद भी नहीं रुक सकता है, गाड़ियों की फैसिलिटी नहीं है, और पीछे जैसी परिस्थितियां रही समय पर नहीं पहुंच पाए, बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए कृपया आप शिक्षकों के साथ उनके फोन नंबर जरूर लीजिए, आपके बच्चे के साथ क्या समस्या चल रही है, अगर वो मना कर रहे हैं मुझे होमवर्क नहीं दिया गया है, आप अपनी तरफ से कोई काम करवाइए कि मैंने बेटा तेरे को काम दिया है, डेट मैंने डाल दी है, तूने अपने टीचर से चेक करवा, नहीं भी टीचर चेक करता आप खुद चेक कर लीजिए, क्योंकि पहले टीचर तो आप हैं, आप ही तो वो शिक्षक है जिन्होंने पहला अल्फाबेट बच्चे को तो आपने ही करने सिखाया, माँ ने या पिता ने ही वो अल्फाबेट सिखाया है, शिक्षक के पास तो वो बहुत देर के बाद आया, जो भी सेंटेंस उसने निर्माण किया शब्द के बाद उसने जो वाक्य बनाया वो भी आपको देखकर ही उसने सीखा, आपने ही उसको चलना सिखाया, आपने उसको खाना सिखाया, आपने उसको संस्कार दिए, हमें तो आपने सिखाया हुआ जो बच्चा है जो तब वो हमें प्राप्त हुआ है। तो पहले शिक्षक आप हैं, आप धन्य हैं, जहां आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल की अगर आपने अच्छे तरीके से अंजाम दी बच्चा अच्छा चलेगा। अगर आप काम के बोझ के तले ही मरे हुए हैं, काम किसको नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब करने वाली लेडी हैं, हाउसवाइफ को लगता है जॉब करने वाली लेडी की जिंदगी बहुत सरल है, वो इतनी सरल नहीं है, उसे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और उसके बाद उसे बाहर जाकर भी मेंटल प्रेशर झेलना है, पैसे वो अवश्य कमाती है परंतु वो दोहरा प्रेशर भी सहन कर रही है, और हाउसवाइफ भी फ्री नहीं है, सुबह से
ही है। हम बोलेंगे कि संडे हम जरा आराम से करें,